हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुत ऐसे डिवीजन है जिन्होंने अभी तक बहुत लोगों को ज्वाइन नहीं करवाया, बहुत लोग ज्वाइन हो गए हैं। कुछ ऐसा डिवीजन है जिसमें आधा लोग ज्वाइन किया है, आधे को अभी तक नहीं करवाए हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हम लोगों को ऐसे ही ना लटका दे। कुछ ऐसा डिवीजन है जहाँ पे कि ज्वाइनिंग मिला तो उसमें कुछ लोग हैं जिनके लिए ज्वाइनिंग लेटर में LRPA करके नाम दिया हुआ है, तो वो क्या है उसके रिगार्डिंग में भी आपसे बात करेंगे। जो भी टोटली है, जो बात आपको जानना जरूरी है उसके बारे में ही बताने वाले हैं, ठीक है। तो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LRPA के बारे में ही बताते हैं क्योंकि इसका डिस्कशन ज़्यादा चल रहा है। तो इसका मतलब होता है लीव रिजर्व पोस्टल असिस्टेंट। तो होता क्या है कि जैसे कि बहुत ऐसा डिवीजन है जिसका सब डिवीजन है, अलग अलग पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे होता क्या कि अगर कहीं से कोई जा रहा है छुट्टी पे तो आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको ही इधर उधर भेजता रहेगा, सिर्फ आप ही परेशान होगे या फिर और कोई नहीं जाएगा, आपका नाम LRPA में रख दिया है, तो वैसा भी नहीं है। क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो थोड़ा सोच समझ के किया जाएगा जो भी किया जाएगा। और बहुत अभी तो आपको पता ही कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अगर सबों को ऐसा देता है तो सोचो कि छुट्टी के लिए जो भी जाना चाहता है तो उस जगह आप लोगों को ही भेजेगा, वैसा वैसे ही करता है। और में बहुत लोगों का ये सोचना है क्या, क्या अगर मुझे LRPA बना दिया तो क्या मुझे सब दिन वैसे ही रहेगा या फिर मेरे को काउंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब काम करने के लिए फिक्स काउंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसा कुछ भी नहीं है, आप भी नॉर्मल PA की तरह ही रहोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको काउंटर पे काम करने या कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिलेगा, आप कोई छुट्टी पे जाएगा तभी मिलेगा काम करने के लिए, वैसा नहीं है। आप भी एज अ नॉर्मल PA काम करोगे, अगर कहीं पे वैसा लगता है कि आपकी जरूरत है तो ही भेजा जाएगा, ठीक है। नॉर्मली आपको कोई एक फिक्स डिवीजन या फिक्स पोस्ट ऑफिस या हेड ऑफिस सब ऑफिस में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, घबराना नहीं कि LRPA लिख दिया तो बहुत डर रहे हैं। तो देखो वैसे हर डिवीजन में अलग अलग तरह का वर्कलोड है। स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगा कहीं भी आप जॉब करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है और कहीं भी आप फिक्स 8 घंटा इस तरह से किसी के अंदर में काम नहीं किए हो, तो आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब 1 महीना 2 महीना हो जाएगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छा। जैसे स्टार्टिंग में कुछ बुकिंग करने में आपको 100 आर्टिकल बुक करते हो तो 2-3 महीना होने के बाद 200-300 होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हर जगह प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो ऐसा नहीं है, और जहाँ भी पब्लिक डीलिंग है तो वहाँ पर तो ज़्यादा दिक्कत है ही पहले से। और रही बात कि आपको क्या काम दिया जाएगा, क्या स्टार्टिंग में ही काउंटर पे बिठा दिया जाएगा, तो वो आपके डिविजनल हेड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डिविजनल हेड चाहेगा कि आपको स्टार्टिंग में ही काम स्टार्ट करवा दे तो वो करवा सकता है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ भी जैसे बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कि डिविजन छुट्टी कहाँ पे देना पड़ेगा, तो छुट्टी आपको डिविजन ऑफिस वाले सेंक्शन करेंगे जो SSP आपके होते हैं, और छुट्टी पहले आपको बताना पड़ेगा। नॉर्मली तो छुट्टी आपको सेंक्शन करा के छुट्टी लेके जाना, नहीं तो वो थोड़ा बहुत अगर स्ट्रिक्ट होंगे तो एक्शन लिया जा सकता है। तो अब कुछ ऐसा डिवीजन है जहाँ पे क्या हुआ है कि आधे लोग को ज्वाइन कराया आधे को नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम लोगों को रिजेक्ट ना कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखो जितना वैकेंसी था उनके पास, उन लोगों को उन लोगों ने ज्वाइन कराया। फिर वो ऐसा जो दिल्ली से लेटर है तो उसमें लिखा था कि अगर आपके पास एक्सेस स्टाफ होता है तो आप सर्कल ऑफिस को इसका इन्फॉर्मेशन देना था, तो उन लोगों ने सर्कल ऑफिस को इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अभी सर्कल ऑफिस हो सकता है सोच रहे होंगे कि क्या करना है, सर्कल भी इस चीज़ को दिल्ली तक पहुंचाएगा, फिर दिल्ली से जो खबर आएगा फिर सर्कल, सर्कल से फिर आपके डिवीजन में, तो इस वजह से इतना लेट हो रहा है। वैसे अगर आपको ज्वाइनिंग कब जानना है कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा नहीं होगा, तो आप सर्कल ऑफिस को नॉर्मली लेटर लिख सकते हो या फिर अपने डिवीजन ऑफिस को भी पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप RTI लगा सकते हो, ये सब करके आप पूछ सकते हो कि आपका ज्वाइनिंग कब होगा, ठीक है। या फिर आप डाक भवन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आधे लोग को ज्वाइन कराया आधे को नहीं करवाया है, तो आप ये सब कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप इतना करके देख सकते हो, अगर कुछ फायदा होता है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो एलोकेशन हुआ था डिवीजन का वो थोड़ा गलत तरीके से हुआ था, तो उस समय आप लोगों ने सर्कल ऑफिस और डाक भवन सब जगह मेल ये सब जो किए थे, तो इस वजह से आपको सब कुछ सही फिर से मिला। तो आप फिर ये भी आप करके एक बार देख लो, चांस है आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मल से बैठने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। और जैसे बहुत बहुत ऐसा सर्कल है वो भी कुछ बता ही नहीं रहा है, तो अगर नहीं बता रहा है बहुत दिन आपका हो गया है, जैसे बहुत लोग ऐसे बोले कि अक्टूबर में ही करवाए थे DV मेडिकल सब कुछ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, तो आप एक नॉर्मल RTI कर दो, ठीक है। किसी और RTI कर दोगे तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या आप एक बार डाक भवन को बताओ या आपका जो सर्कल ऑफिस है वहाँ लेटर लिख दो, तो ये सब आप करके देख सकते हो, ये सब आपके फायदे में ही होगा। और सिंपल आपको बैठना नहीं है, ठीक है, अगर बैठे रहोगे तो ऐसे ही टाइम जाता जाएगा। मेरा ये कहना है कि दिसंबर तक कम से कम ज्वाइन कर लो, जितना भी लेट हुआ लेकिन दिसंबर तक जरूर ज्वाइन करना। दिसंबर तक अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ही फायदा है, इंक्रीमेंट सबके साथ लग जाएगा, नहीं तो सबसे आप 6 महीना लेट हो जाओगे। अगर 2 जनवरी को भी आप ज्वाइन कर जाओगे तो आपको इंक्रीमेंट नेक्स्ट जनवरी में लगेगा, अगर आप 1 जनवरी को ज्वाइन करते हो तो उसी जुलाई में आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो इतना फर्क आपका हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्रयास करते रहो। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी यूनियन है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो छुट्टी पे है, तो 1-2 दिन में हम बात करके कोशिश करेंगे ये प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ाने का, ठीक है, जितना हो सकता है बस। और बहुत ऐसे लोग थे जो कि बहुत सारी यूनियन से जुड़े हुए थे, मतलब कुछ एक ग्रुप में आप जुड़े हुए थे, वो भी यूनियन के बारे में आपको बोल रहा था, तो आप उनसे बात करके भी देखो, ठीक है। उनको बोलो कि कम से कम हम लोगों को यहाँ पे हेल्प करवाओ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, ठीक। तो आप इतना करोगे तो आपको फायदा होगा, आप उधर हेल्प लो, यूनियन वाले थोड़ा इसमें लगेंगे तो हमको लगता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात, अगर शांत बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ लेट जाते जाएगा। और सोच लो कि हर महीने आपका 50,000 जा रहा है,
ठीक है। और अगर आपका कहीं जॉब लगने वाला है तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल आप अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो हर महीने आपका 50,000 आराम से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी जो ज्वाइन करेगा उसको 45,400 इन हैंड मिलेगा, और टोटल लगभग सैलरी 49K लगभग उनका बनेगा। उसके रिगार्डिंग में भी वीडियो बनाया, देख लेना आपकी कितना सैलरी मिलेगा। फिर सरकार भी 3-4 हज़ार रुपया NPS में आपका जमा करती है, तो वो भी आपको कम हो जाएगा सबसे, तो देख सकते हो। और देखो है क्या प्रॉब्लम, सीजीएल 2024 सितंबर में है, तो अगर आप अभी ज्वाइन कर जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में 1-2 महीना जाएगा। मान लो जनवरी फरवरी तक एडजस्ट करोगे, फिर आपको रूटीन रिदम आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप इतना पहले जितना पहले ज्वाइन करोगे तो आपको ये सब करने में ज्यादा टाइम मिलेगा, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 2024 को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, तो अभी हमारे ही ऑफिस से 2 लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असिस्टेंट करके कोई पोस्ट है तो 2 लोगों का लगा है, जो 1 साल से वर्किंग है, मतलब 2019 के बैच से, सीएचएसएल 2019 के बैच से ज्वाइन किया है। इसके पहले कुछ दिन पहले सीजीएल 2021 से MEA में पोस्टल असिस्टेंट ही हमारे ऑफिस में था, बिहार का था, तो वो ज्वाइन किया। तो वैसे तो तैयारी करने के लिए टाइम मिलता है, अगर 4-5 घंटा तो आपको मिल ही जाएगा, और बाकी बात आपका डेडिकेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और छुट्टी की बात, जैसे नॉर्मल ऐसो नॉर्मल डिवीजन में किसी में हो तो छुट्टी के लिए आपको SSP को लेटर लिखना पड़ेगा, डिवीजन नहीं आपको छुट्टी अरेंज करता है, और जो अरेंज करने में वही LRP अगर है तो उसको उस जगह पे भेज दिया जाता है, ठीक है। और बाकी बात, जैसे कुछ लोग ऐसे डरे हुए कि बहुत काम है, या फिर कुछ लोग ऐसे बहुत डरे हुए, देखो डरने का कुछ भी नहीं, आपको अगर एडजस्ट आप नहीं कर पाओगे, जैसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुंबई है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो नॉर्मली आप रिजाइन देके चले जाना। इसमें रिजाइन देने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करना पड़ता है या फिर और भी कुछ, जैसे बहुत जगह ऐसा है क्या कि आपको एक्स्ट्रा 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया पेमेंट करना होगा तभी आप छोड़ सकते हो, तो इस डिपार्टमेंट में वैसा नहीं है। 1 महीने का नोटिस पीरियड रहता है, उसको आपको कंप्लीट करना है, बस उसके बाद आप आराम से जा सकते हो। और एक बात और है कि जिसका भी सीजीएल 2023 में हो गया है, ठीक है, बहुत ऐसे ऑफिस में भी बहुत ऐसा लोग हैं जो कि सीजीएल 2022 से ज्वाइन किया लेकिन 2023 में भी उनका हो गया है सिलेक्शन, तो वो कोशिश करना कि ऑफिस को इन्फॉर्म कर दे। और इन्फॉर्म क्या करना है कि ज्वाइन करने से पहले मैंने ये एग्जाम दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, अगर उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा तो मुझे छुट्टी मिलना चाहिए और NOC भी मिलना चाहिए, तो इस तरह से आप ऑफिस को लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि उस टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल मिल जाएगा तो वहाँ पे आप जब जाओगे जो भी जगह आप ज्वाइन करोगे, मान लो अभी 7-8 महीना ज्वाइनिंग में है, तो सोचो कि 7-8 महीना सबसे सीनियर रहोगे तो आपको ही फायदा होगा, ठीक है, तो ऐसा चलेगा। और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है नहीं करना है। जहाँ भी रहो ऑफिस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करके रहो, मजे से रहो, अच्छे से रहो। और बाकी बात, जिसको ज्वाइनिंग मिल गया है तो वो तो बहुत ही अच्छा, जिसको नहीं मिला है तो धीरे धीरे आप भी कोशिश करो अपने डिवीजन सर्कल ऑफिस से बात करने का, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं जो भी महाराष्ट्र सर्कल में है, और अदर सर्कल वाले भी अपने सर्कल से पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा, या उतना उससे भी ज़्यादा आपको पूछना है तो आप एक नॉर्मल RTI कर दो, ठीक है, डायरेक्ट या तो डाक भवन को लिख दो या फिर डायरेक्ट्रेट को लिख दो, तो इससे आपका काम बन सकता है। और जिनको भी मेडिकल का डेट लेट दिया है तो आप जल्दी से आके अपना मेडिकल करवा लो, किसी भी डेट में दिया है तो आप जल्दी से आके वहाँ हॉस्पिटल में मिलो। आप कोशिश करो दिसंबर में ज्वाइन करने का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल में बात करो 1-2 दिन। बहुत लोग ऐसे जिनका डेट बहुत दूर था लेकिन बात करते 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 उनका मेडिकल हो गया है, तो आप लोग भी कोशिश करो आके मेडिकल करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी बात कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके आपको हेल्प करने का तो करेंगे, जो मेरे हाथ में नहीं है तो वो तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, और बाकी बात वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसी तरह इन्फॉर्म करते रहेंगे, कुछ कुछ इन्फॉर्म करते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्टार्टिंग में अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है, ठीक है, जो कि शायद आपको मोटिवेट कर सकता है। चलो बाय।